Good morning, dear student. Today we will discuss structure of teeth. Sorry, structure of tooth. कल हमने डिस्कस किया था जो हमारे टूथ हैं या दांत हैं, इन दांतों के प्रकार जाने थे और उनके हमने क्या जाना था, कार्य जाने थे। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये सेवंथ क्लास एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 है, बट ये हमारा जर्नल साइंस में भी काउंट होता है और बायोलॉजी का पार्ट है। जो हमारा कंपटीशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम होते हैं हरियाणा में या इंडिया में, जर्नल साइंस जीके के तौर पर यहां से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ क्या होता है, एक सिंगल दांत जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टूथ, और टीथ क्या बोलते हैं, जो हमारे सभी दांत हैं ये क्या है, टीथ। टीथ आर फिक्स्ड इनटू गम्स। टीथ जो है हमारे किस में फिक्स होते हैं, जो गम्स होते हैं मसूड़े, इनके अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और जो एक टूथ होता है उसके एक दांत के बहुत से पार्ट होते हैं, आज हम उनको जानेंगे। एक सिंगल दांत और उसके पार्ट किस तरह होते हैं हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक हमारा दांत है, ले लिया सिंपल टूथ, इसके पार्ट के बारे में पता करते हैं हम। जो सारा दांत का हमारा सेट है ये किसके अंदर होता है, हमारे जबड़े के अंदर फिक्स होता है। अब बात कर रहे हैं हम एक सिंगल दांत की यहां पर बेटा। तो सिंगल दांत क्या होगा आपका, ये हमारा क्या हो गया, टूथ का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ये पार्ट है हमारा, दांतों की बात करें अपने, ये पार्ट और इधर मैंने ये शो कर रखा है, इसको क्या बोलेंगे, नेक। जहां से जितने दांत हमारे व्हाइट कलर के जो होते हैं, जो ऊपर दिखते हैं, और जहां से वो शुरू होते हैं, मतलब ये हमारा जबड़ा हो गया और ये गम है, ये मसूड़ा हो गया, इससे ये ऊपर हमारा क्या हो गया, व्हाइट कलर का एक पार्ट है। इस पार्ट को ही, जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और ये जितना पार्ट बाहर निकला हुआ है, नीचे तो इसकी जड़ होगी, रूट होगी, बट ये जो पार्ट नेक से बाहर दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, क्राउन। जो ये हमारा मसूड़े हो गए या, और इसको हम क्या बोलेंगे, यहां जो मसूड़ों से बाहर दांत निकला हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या हो गई, नेक। और इससे जो बाहर निकला हुआ है यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, क्राउन। उसके बाद जो ये व्हाइट कलर का दांत है हमारा, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है, ये ऊपर का जो पार्ट होगा, ये पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया, एनेमल। क्या नाम दिया, एनेमल। एनेमल क्या होता है आपका, हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होगा एनेमल, हार्ड होगा बहुत ही ज्यादा ही। और ये किसका बना होगा आपका, कैल्शियम साल्ट का बना होगा। एनेमल व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है और हार्ड पार्ट होता है, और किसका बना होगा आपका, कैल्शियम सोल्ट का। फिर एनेमल के नीचे ही ये दांत जो ऊपर होगा, इसके अंदर भी कई परत होती हैं, तो इसके नीचे ही क्या होगा, डेंटाइन। क्या होगा, डेंटाइन। इनसाइड एनेमल, एनेमल के अंदर क्या होगा आपका, डेंटाइन। डेंटाइन क्या होगा, ये भी एक हार्ड पार्ट ही होगा। और फिर डेंटाइन के नीचे की बात करें, डेंटाइन, इनसाइड डेंटाइन क्या होगा आपका, एक सॉफ्ट पार्ट होगा, उस सॉफ्ट पार्ट को हम क्या नाम देंगे, पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होंगी और नर्व्स होंगी, इस तरह नसें वगैरह दिखाई देंगी और खून वगैरह होगा। ये जो हमारा नेक है, मसूड़ा है, इससे जो नीचे का पार्ट है और इनसाइड डेंटाइन, इसको हम क्या नाम देंगे, पल्प कैविटी। और ये जो बाहर से जो इसके अंदर जाएगा, जबड़े के अंदर अंदर आउटर जो पार्ट हो गया, ये जितना अंदर यहां तक ये एंटर होगा हमारे गम्स के अंदर, उस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, रूट। ये कुछ छोटा सा बिल्कुल टॉपिक था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। दोबारा फिर रिपीट करता हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। नेक, ये क्या हो गई, नेक। जितना दांत हमारा बाहर निकला है ऊपर की डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन। और ऊपर वाले पार्ट के दांत को क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है, हार्ड होता है, एनेमल। एनेमल के नीचे क्या होगा आपका, डेंटाइन, ये भी कैसा होगा आपका, हार्ड।
और डेंटाइन के नीचे क्या होगा, पल्प कैविटी, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होंगी और बिल्कुल सॉफ्ट होगा ये। और नेक के नीचे ये जो पार्ट है आपका, ये यहां जितना दांत आपका, इसके अंदर जो पकड़ बनाए हुए है दांत की मजबूती के लिए, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, रूट, जड़ जिसको बोलते हैं, जो फिक्स है। ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारा। उसके बाद प्रॉपर केयर ऑफ टीथ की बात करते हैं। सभी को पता है दांतों की केयर किस तरह करते हैं। मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए हमें अपने दांतों की सफाई के लिए। बेड पर सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना चाहिए। कुछ खाते हैं, खाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, अपना मुंह वॉश करना चाहिए। ज्यादा मीठी वगैरह चीजें हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। चॉकलेट, टॉफी वगैरह इस तरह की चीजें जो दांतों के लिए क्या हो, नुकसान। गर्म या ज्यादा ठंडी चीजें भी दांतों को क्या करती हैं, नुकसान। इसलिए ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए जिससे हम अपने दांतों की केयर कर सकें। थैंक यू। ये छोटा सा टॉपिक था, 7th class NCERT बायो का लेसन है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।